जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। होली के सातवें दिन शीतला सप्तमी आती है और आठवें दिन शीतला अष्टमी आती है। प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी को शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी, जो भी उनकी परंपरा है, कुल परंपरा के अनुसार इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। इसका पूजन करने का एक बहुत ही विशेष तरीका होता है, जिसको बासोड़ा कहा जाता है। खाने पीने का जितना भी सामान हो, वो एक दिन पहले रात को बना करके रख दिया जाता है और दूसरे दिन उसी खाने को ले जा करके भोजन, यानी उसको भोजन से मां शीतला का पूजन किया जाता है। इसीलिए इसको बासोड़ा कहते हैं कि बासी खाने से, बासी भोजन से देवी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि ये पूजा करने से घर में फफोले की बीमारी, फोड़े बुंसी की बीमारी, बाल तोड़ की बीमारी, चेचक की बीमारी, हैजे की बीमारी घर में नहीं आती है। और ये भी कहा जाता है कि जो लकवा लगता है, वो लकवा उन्हीं व्यक्तियों के, उन्हीं घरों में लगता है जहां पर ये पूजन नहीं होता है। तो प्रत्येक समाज का और प्रत्येक जगह का पूजन करने का तरीका अलग अलग है। तो आपके यहां पे जिस तरीके से उनकी शीतला मां की पूजन होती है, सप्तमी को या अष्टमी को पूजन अवश्य करिए, ताकि आप जो हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है, परंपरा है, नियम है, कानून है, परिपाटियां चली आ रही है, उनका पालन करें, ताकि कुल देवी देवता प्रसन्न हो सके। और बिल्कुल यह निश्चित है कि यदि आप पूजन नहीं करते हो तो पहले पीलिया होता है, बुखार आता है, फोड़े फुंसी होते हैं, यानी छोटी माता बड़ी माता निकलती है, फिर वो टाइफाइड में कन्वर्ट होकर के कई बार घर परिवार के सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन एक बासोड़े के रूप में किया जाता है, तो वह अवश्य करें। स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में मां भगवती शीतला का पूजन बिल्कुल भी न करें, अन्यथा कष्ट और ज्यादा बढ़ सकता है।